और चलिए जयपुर से यहां पर खबर सामने आ रही है जहां पर कस्टम एयर इंटेलिजेंस विंग का एक्शन देखने को मिला है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने तस्करी का सोना पकड़ा है। आपको बता दें कि मस्कट से आए एक यात्री से सोना यहां पर बरामद किया गया है। बीट कटर मशीन में सोना छुपाकर ये यात्री यहां पर लाया था और तस्करी के सोने का वजन जो है वो करीब 346 ग्राम यहां पर बताया जा रहा है, जिसकी कीमत मूल्य जो है वो बाजार में करीब 18 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। कस्टम विभाग के अधिकारी यहां पर यात्री से पूछताछ कर रहे हैं और फिर से एक बार कस्टम विभाग की यहां पर कार्रवाई देखने को मिली है और एक यात्री से तस्करी का जो सोना है वो यहां पर बरामद किया गया है। उस सोने की कीमत करीब 18 लाख रुपए बताई जा रही है और फिलहाल यात्री से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो यात्री है वो मस्कट से यहां पर पहुंचा था। तो जयपुर एयरपोर्ट पर ये कस्टम एयर इंटेलिजेंस विंग की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। कस्टम विभाग ने तस्करी का सोना पकड़ा है और जो सोना है उसकी कीमत यहां पर करीब 18 लाख रुपए बताई जा रही है। मस्कट से ये यात्री यहां पर पहुंचा था और उसके बाद चेकिंग के दौरान ये सोना यहां पर पकड़ा गया है और फिलहाल यात्री से पूछताछ की जा रही है विभाग की तरफ से। मीट कटर मशीन में बताया जा रहा है कि ये सोना छुपाकर जो यात्री है वो यहां पर लाया था और उसके बाद यहां पर उसकी तलाशी ली गई और उस तलाशी में तस्करी के यहां पर ये तस्करी का जो सोना है वो बरामद हुआ है। अब फिलहाल जो यात्री है उससे पूछताछ हो रही है और उसके बाद पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई यहां पर की जाएगी। और हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, पूरी जानकारी चाहूंगे। देखिए, कस्टम एयर इंटेलिजेंस विंग का जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ा एक्शन रहा है। कस्टम की एजेंसियां लगातार इस वक्त सक्रिय है, जब सोने कीमतों में इजाफा हुआ है तो संभावना है वैश्विक स्तर पर जो सरगना बैठे हुए हैं, जो लगातार भारत में अलग अलग एयरपोर्ट्स को निशाना बनाकर भारत में सोना तस्करी के जरिए भेज रहे हैं, उनमें जयपुर एयरपोर्ट का भी नाम है। बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली की बात करें तो जयपुर एयरपोर्ट भी अब उनके निशाने पर है। ऐसे में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। आज मस्कट से आए एक यात्री से 346 ग्राम तस्करी का सोना बरामद किया गया है। मीट कटर मशीन में सोना छुपा कर लाया था, बड़ी सफाई से सोना ला रहा था। उन्होंने अपना जो फॉर्म डिक्लेरेशन का होता है उसमें इसका उल्लेख नहीं किया। जब इस स्कैन में ये सब सामने आया, कस्टम विभाग ने मीट कटर मशीन को काटा तो ये सोना बरामद हुआ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 18 लाख रुपए है। कस्टम विभाग के अधिकारी अब यात्री को से पूछताछ कर रहे हैं कि ये सोना किसे देना था। साथ ही कोशिश ये की जा रही है कि अगर कोई सूत्र हाथ लगता है तो छापेमारी को आगे बढ़ाया जाए। कस्टम विभाग की कार्रवाई संबंधित व्यक्ति जिसे ये सोना लेना था वहां तक हो सकती है। चलिए अंकित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबर सीकर के